बाबा हाँ जी महिमा एक बाप की कैसे हो? तो सारी सृष्टि का पतन का निमित्त कौन बना और पावन बनाने का निमित्त कौन बना? इस सारी सृष्टि को नीचे गिराने वाले कितने हैं और ऊपर उठाने वाला कौन है? कौन है? एक बाप ही ऊपर उठाने वाला है और बाकी सारी दुनिया के मनुष्य सब नीचे गिराने वाले, खुद भी नीचे गिरते हैं और सारी सृष्टि को भी नीचे गिरा। तो महिमा किसकी हुई? एक बाप की। एक बाप की महिमा हुई। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता कैसे मिल सकता है? बाप आकर के जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर चलने से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता मिलता है, न चलने से बंधन की दुनिया मिलेगी। बाप की श्रीमत पर चलने से निर्बंधन दुनिया मिलेगी। सच्चा सच्चा तीर्थ बाबा, सच्चा सच्चा तीर्थ कहाँ है? सच्चा सच्चा तीर्थ कहाँ? सच्चा सच्चा तीर्थ स्थान, तीर्थ स्थान सुखधाम और शांति धाम, वो ही सच्चा तीर्थ स्थान है। कौन बच्चे दुख देखते हैं? बाकी तो सब धक्के खाने के स्थान है। अब बाबा कौन बच्चे दुख देखते हैं? जो श्रीमत पर नहीं चलते वो दुख देखते हैं, श्रीमत पर चलते हैं तो सुखी ही सुख है। वाले क्वेश्चन करते हैं, आप हमारे अब्बा मुरली को पढ़ते हैं, मैं मुरली पढ़ते हैं। मुरली तुम्हारी है या भगवान की है पूछ नहीं सकते? मुरली किसकी है? भगवान की मुरली। तो भगवान सबका है या सिर्फ तुम्हारा है? फिर वो तो दादा लेख राज द्वारा मुरली चलाए हैं, वो वही मुरली पढ़ते हैं तुम्हारे बाबा कैसे करते हैं? हाँ तो हम क्या लेखराज के द्वारा चलाई हुई मुरली को नहीं मानते हैं? हम भी तो मानते हैं कि ब्रह्मा कोई चीज है, हम ब्रह्मा को नकारते कहाँ हैं? ब्रह्मा को नकारेंगे तो हम साबित कैसे करेंगे कि इस दुनिया में ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा फैलाया हुआ ज्ञान चल रहा है? जिस तरह से दादा लेखराज ने मुरलियां पढ़ाया तो फिर विरोध क्यों करते हो जब नहीं निकालते हैं? तो कोई नई बात निकलती है तब तो विरोध होता है, अगर कुछ नया नहीं निकला होता तो तुम विरोध क्यों करते? बाबा बेहद का सगाई क्या है? बेहद की सगाई है जन्म जन्मांतर की सगाई। इस सृष्टि पर सदा कायम कौन है? एक शिव बाबा सदा कायम है। तो सदा कायम शिव बाबा के साथ रहे वो अच्छा या औरों के औरों के साथ रहे वो अच्छा है? बाबा के साथ रहे तो ज्यादा सुखी रहेंगे ना। हमारी संस्था पहले से है, हमारी संस्था पहले से है, आप लोग अभी आए हैं और हमारी नकल करते हैं। बाबा तो कहते हैं जो लास्ट में आते हैं वो ही फर्स्ट जाते हैं और लास्ट में वो ही आते हैं जो फर्स्ट में थे। हम पहले भी यज्ञ में थे, हमारे बाद तुम लोग आए हो। जो फर्स्ट होते हैं वो ही फर्स्ट जाते हैं, वही लास्ट में आते हैं, लास्ट में आकर के भी फर्स्ट जाते हैं, फिर फर्स्ट आ जाते हैं और तुम तो पीछे रह गए। है गीता में कृष्ण बोलते अर्जुन से है, गीता में कृष्ण बोले अर्जुन से तीनों लोक में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मैं नहीं कर सकता और तीनों लोक में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसको मैं पाना चाहूँ उसे पा नहीं सकता। अगर मैं कर्म कर लेना आऊँ तो ये समाज नष्ट हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि शिव बाबा कहते हैं
आ? तो तुमने कृष्ण क्यों कहा? उनके शरीर का प्रदर्शन। कृष्ण के शरीर से कहते हैं? माध्यम तो शिव बाबा कृष्ण के शरीर से कहते हैं कि मैं दुनिया का हर कर्म करता हूँ। संगम इन प्रजापिता के थ्रू कहते हैं। और घोर अंधेरे में ठोकर क्यों खाते? क्योंकि गुरु लोग हमको उल्टा रास्ता बताते हैं, हम उनके रास्ते पर चलते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं। यहाँ शूटिंग भी हो रही है शिव बाबा को भूलने की। निश्चय अनिश्चय आता है या नहीं आता है? आता है, आता है माने यहाँ भी भूलते हैं, यहाँ भी भूलते हैं, तो फिर वहां 5000 वर्ष के ड्रामा में भी भूलते हैं। एक आदमी बोलो श्रीमत पे स्वर का मालिक है? श्रीमत पे चल के स्वर का मालिक बनना है। श्री माने क्या है? श्रेष्ठ कौन है? तो उसकी मत पर चलने से वो स्वर्ग रचता है कि दूसरे स्वर्ग रचते हैं? हुसैन मुसलमानों में कहा जाता है, हुसैन का घोड़ा। यहाँ तो शिव बाबा हसीन है, शिव बाबा से जास्ती हसीन और कोई दुनिया में है ही नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा है भारत कौरी से हीरे से कौरी किस तरह से बनता है? शिव बाबा आकर के हीरे तुल्य बनाते हैं और मनुष्य गुरु कौड़ी तुल्य जीवन बना देते हैं। भक्ति मार्ग की बातें क्यों उठाते हो? भक्ति मार्ग की बातें नहीं उठाएंगे तो भगवान से प्राप्ति कैसे होगी? तुमको भक्ति मार्ग की सारी बातें बताएंगे तभी तो तुम ज्ञान मार्ग पे चलोगे। रावण की पहचान नहीं होगी, माया की पहचान नहीं होगी तो माया के चक्करी में नहीं आ जाओगे। अभी तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होना है, भक्ति मार्ग को छोड़ दो तो पहचान ही नहीं होगी तो छोड़ेंगे कैसे? लगाते हम तुम्हारे चित्र थोड़े ही लगाते, ये तो बाबा ने साक्षात्कार से तैयार कराए हैं चित्र। जो हमारे चित्र है वो तो तुम लगाना ही बंद कर दिया। ये चित्र तुम 4 चित्र कहाँ लगाते हो? तुम तो छोड़ दिया, जला दिया, उठा करके रख दिया। तुम इनको समझा ही नहीं सकते तो तुमने उठा के रख दिया। हम तो इनकी गहराई को समझाते हैं। बाबा है सत्युग में सिर्फ रजाई होती है और स्वर्ग ट्रांसफर होती है, रजाई ट्रांसफर होता है, तो वहाँ रजाई नहीं होती है, क्या कहते? सत्युग के राजाएं जो नारायण होते हैं उनकी राजाई ट्रांसफर होकर के राम की डायनेस्टी को मिल जाती है। इसलिए कहा कि सत्युग त्रेता में सिर्फ राजाई ट्रांसफर होती है, बाकी कोई विनाश नहीं होता है। हाँ त्रेता और द्वापर के संगम पर अर्ध विनाश होता है, कलयुग और सत्युग के संगम पर अर्ध विनाश वो संपूर्ण विनाश होता है, बाकी सतयुग और त्रेता के संगम पर कोई विनाश आदि नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ राजा ही ट्रांसफर होती है। इसी वाले पूछते हैं कि जी जो ब्रह्मा बाबा से सकर्म फल जो दीदी दादिया लिए उन्होंने बाप को नहीं पहचाना, और तुम लोग बोलते हो ये क्या दीदी दादिया झूठे हैं क्या? ब्रह्मा ने तुम्हारे न बाप को पहचाना, तुम कहाँ से पहचानोगी? ब्रह्मा ने पहचाना होता तो हार्ट फेल होकर के शरीर क्यों छोड़ते? मुरली में तो बोला योगियों का कभी हार्ट फेल होता ही नहीं, फिर सूक्ष्म शरीर के बंधन में क्यों आते? फिर तो सीधे मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते। ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ रहे हैं, भूत प्रेत बन रहे हैं।
बाबा ये ब्रह्मा बाबा का आज्ञा पाठ कर दो है। ब्रह्मा बाबा का आज्ञा पाठ कर दो। तुम्हें क्या मुसीबत आ रही है, है? तुम्हें कोई मुसीबत आ रही है क्या कि फायदा हो रहा है? कुछ नए नए पॉइंट मिलते ही हैं कि नहीं मिलते हैं? यही दीदी दादियों बोल रही है कि मेरे मतलब दादी में ही शिव बाबा आते हैं, अगर ब्रह्मा बाबा आना बंद हो जाएंगे तो वो तैयार हो जाएगा। तुम शिव बाबा को प्रत्यक्ष कर दिया, सूर्य प्रत्यक्ष हो गया जो चंद्रमा डूब जाए। अरे एक तरफ चंद्रमा डूबता है, दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है, तभी तो पूर्णमासी होती है। तो चंद्रमा पूर्ण बने इससे पहले हमको क्या करना है? ज्ञान सूर्य को प्रत्यक्ष करना है। तो ज्ञान सूर्य को प्रत्यक्ष कर दिया है? अरे तुमने प्रत्यक्ष कर दिया, कहाँ कर दिया प्रत्यक्ष? पहले तो बाप के बच्चों के कर्म बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, बच्चों का चेहरा मोहरा बाप को प्रत्यक्ष करे। सीरत और सूरत बिल्कुल नहीं बदल रही है, प्रत्यक्षता कहां से हो जाएगी? जब सूर्य ही प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो चंद्रमा अस्त कहां से हो जाएगा? एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है। माया ही तो बाप को सबसे जास्ती पहचानती है, इसलिए माया ही सबसे पहले सरेंडर होती है। बच्चे नहीं सबसे पहले सरेंडर होते हैं, इसलिए माया को इतनी अथॉरिटी मिली हुई है कि आधा कल्प माया का राज ही चलता है। इतना सब कुछ होते हुए बाप की प्रत्यक्षता क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कर्म उल्टे हो रहे हैं, हम बाज नहीं आते हैं उल्टे कर्म करने से। लोगों को दिखाते हैं ये हैं कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन अंदर से समझते हैं कि हम बड़े पापात्मा हैं। है? रोज इसी का पढ़ाई पढ़ते देख लो, तभी तो सौ गुना पाप का बोझ चढ़ता है। लोगों की आंख में धूल झोंकना, भगवान की आंख में धूल झोंकना, समाज की आंखों में धूल झोंकना, और सारे जितने भी देश की सरकारें हैं सब की आंखों में धूप धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, तो सौ गुना बोझ चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? अवस्थाएं नीचे गिर रही है या ऊंचे उठ रही है, है? अभी ब्राह्मण बच्चे गिरती कला में जा रहे हैं या उठती कला में जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? हेवनली गॉड फादर मिला है तो हेवन में अनुभव करना चाहिए, नरक में क्यों बैठे हैं? इसका मतलब बाप के बच्चे नहीं बने हैं। है जो बच्चे काफी इंजन में चले और ज्ञान में नहीं चल रहा है, फल मिलेगा या नहीं? जो ज्ञान में चलते हैं तो राज परिवार में उन दिनों आ जाते हैं, शूटिंग हो जाती है। ज्ञान में से टूट जाते हैं तो प्रजावर्ग में चले जाते हैं। हर गिलास पूरा कर साथ कर रहे हैं बाबा, है? हर गिलास पूरा कर साथ कर रहे हैं, थोड़े समय के लिए आएंगे फिर टूट जाएंगे तो चले जाएंगे। वो कहते हैं कृष्ण ही राम है, है? वाले कहते हैं कृष्ण ही राम है। कृष्ण ही राम है तो इसका मतलब तुम्हारा राम फेल हो गया? जो भट्टी करके धम चक्र मच जाता हो, हाँ, एडवांस में रह के भी धम चक्र मच जाना बंद न किया हो, हाँ, तो दास दासी बन जाएगा, तुम्हें क्या घाटा है? अच्छा, सुख कैसे मिलेगा? है? सुख कैसे मिलेगा? श्रीमत पर चलने से सुख मिलेगा, मनमत और मनुष्य मत पर चलने से दुख मिलेगा। बाबा, एक समाज में आने वाली जो आत्मा है वो कुमार होंगे या अदर कुमार? सभी सभी हो सकते हैं, कुमार भी हो सकते हैं, अदर कुमार भी हो सकते हैं, कुमारियां भी हो सकती हैं, अदर कुमारियां भी हो सकती हैं,
बूढ़िया भी हो सकती हैं। बाबा बनना क्या हांडी मुर्गी में आए गीता पंडा पंडा हमारी पहला पंडा गीता में हमारी पहला पंडा कौन पहला पंडा पंडा हमारी गीता। हाँ माताएं जो है वो पवित्रता का पाठ पढ़ाती है या नहीं पढ़ाती है? स्वर्ग का गेट कौन खोलेंगी? तो जो गेट खोलेंगी वो स्वर्ग में जाएंगी या नहीं जाएंगी? और रमतु रमजवास शिव बाबा है, रमत गमत करता रहता है और स्वर्ग में ले जाता है। आरती देवी के साथ झरने की सैंपलिंग लग रही है तो लोग को कैसे समझाएंगे? क्या समझाएंगे? आदि देवी देवता धन की सैंपलिंग लग रहे हैं, इतना धन है तो कैसे मिलाएंगे? और सृष्टि का आदि करने वाला है कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा आया हुआ है, ये साबित कर दो। बाबा अद्भुत कृष्ण बच्चा जो जन्म लेगा कब लेगा? सन 18 में लेगा क्या? सन 18 में संगम जो खत्म हो जाएगा। कृष्ण बच्चा सतयुग में होता है या संगम में होता है? फिर जब संगम पूरा होगा तो सतयुग में कृष्ण बच्चे का जन्म होगा। बाबा गीता पाठशाला के लिए कौन सा ये ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा? गीता पाठशाला के लिए कौन सा एम ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा? एम ऑब्जेक्ट तो लक्ष्मी नारायण बनना है। नर को नारायण बनाया जाता है, नारी को लक्ष्मी बनाया जाता है। स्कूलों में पढ़ते हैं तो एम ऑब्जेक्ट होता है ना। डॉक्टरी के स्कूल में जाएंगे तो क्या एम ऑब्जेक्ट होगा भाई? हम सर्जन बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। वकालत के स्कूल में जाएंगे तो क्या एम ऑब्जेक्ट होगा? LLB करते हैं तो एम ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं? क्या बनेंगे? वकील बनेंगे, जज बनेंगे, और क्या होता है? ऐसे यहाँ भी एम ऑब्जेक्ट है। सभी प्राणियों में 5 तत्व होते हैं। सभी प्राणियों में 5 तत्व होते हैं। जानवर में भी 5 तत्व होते हैं। पर प्राणी नहीं है, है? तो प्राण नहीं है क्या? है, है। बात पर वो मनुष्य जैसा बोलते क्यों नहीं है? फिर तुम कहोगे कीड़े मकोड़े बोलते क्यों नहीं है? अरे मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है, मनुष्यों को पढ़ाई भगवान पढ़ाता है, जानवरों को आकर के भगवान पढ़ाई नहीं पढ़ाता है। जानवरों नंबर 1 कीड़े मकोड़े तो खैर बिल्कुल ये हो गए, पर कुछ जानवर भी हैं जो कुछ बुद्धि चलाते हैं और जंतुओं के। मनुष्यों जैसी बुद्धि तो नहीं होती है, तो जितनी बुद्धि होती है उतनी प्राप्ति करते हैं। और बाबा ने बोला है क्या है कि हसीन शरीर जिसमें सवार होते हैं वो शिव बाबा? कोई शरीर में सवार होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वो है हसीन शरीर। श्याम और सुंदर किसको कहा जाता है? कृष्ण को कहा जाता है या प्रजापिता को कहा जाता है? प्रजापिता का टाइटल है जो कृष्ण के ऊपर रख दिया है। ज्यादा से ज्यादा काला बनता है और ज्यादा से ज्यादा गोरा भी बनता है। बाबा ये मैंने कहते हैं कि आपके बाबा ने ज्ञान कहाँ से दिया है? ये वाला कहते हैं कि आपके बाबा ने ज्ञान कहाँ से दिया? बाबा सबका बाबा है, वो सबका टीचर है, वो सबका गुरु है, उसको कौन पढ़ाएगा? भगवान को कोई पढ़ाता है क्या? है तो तुम जवाब नहीं दे पाते। भगवान टीचर्स का भी टीचर है, सुप्रीम टीचर है, गुरुओं का भी गुरु है, सबका गुरु है, बापों का भी बाप है। बाबा भारत के झंडे में जो चक्र का निशान
भारत पर काय का निशान है? हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर का निशान ही है। वो सतयुग और त्रेता में दोनों में मिलकर के चंद्रवंश और सूर्यवंश होते हैं। दो वंश हैं, दोनों वंशों में बारह बारह आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं। तो टोटल कितनी हुई? 24 आत्माएं, इसलिए 24 आरें दिखाई जाती हैं। 24 भगवान के अवतार दिखाए गए हैं। सरेंडर होना है तो कौन मना करता है? किसी ने मना किया क्या? एक बार सरेंडर हो जाओ। हाँ बाबा, परम पिता सब व्यापी, नहीं कोई व्यापी कहाँ? बताओ एक व्यापी कहाँ है? उल्टे बात बरेली को। ये तो बाबा ने परीक्षा प्रश्न पत्र छोड़ा है कि बच्चे इसका जवाब दें, चाहे बेसिक में हो चाहे एडवांस में हो। इन प्रश्नों का जवाब हर बच्चा ढूंढे, कौन कितना अच्छा जवाब दे सकता है उतना अच्छे नंबरों में उत्तीर्ण हो जाएगा। कौन कितनों को समझा सकता है? बाबा, मीडिया द्वारा जो आपके बाबा के बारे में दिखाया गया वो झूठा तो नहीं है? ऐसी कोई लिखेगा दिखाएगा क्या? पैसे देकर मीडिया वाले नहीं छापते हैं क्या? फिर क्या बात? बाबा, दिल्ली का विशेष पाठ स्थापना में है, मुंबई का विशेष पाठ विनाश में, कलकत्ते का पाठ हवा चलाने में, सत्य योगे तो बिहार का क्या पाठ? बिहार ईस्टर्न जोन में नहीं है? ईस्टर्न जोन में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, आसाम, नेपाल, बहुत बड़ा जोन है। तो बिहार सहयोगी बने कलकत्ते का आवाज फैलाने में। और रैयत कहते हैं प्रजा को, और जाम कहते हैं राजा को, जो जम के बैठता है गद्दी पर। आधे में जाम, आधे में रैयत, अर्थात पूरे राज्य में से जितनी भी इनकम होती है, जितनी भी पैदाइश होती है, वो सब पैदाइश का आधा हिस्सा में राजा और राज परिवार पलता है, और बाकी आधे में सारी रैयत अर्थात प्रजा पलती है। तो राजा ही लेने में फायदा है या प्रजा बनने में फायदा है? तो बाबा राजा ही देने आता है, और एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की राजा ही देने आता है। 21 जन्म की तो फिक्स है, लेकिन 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब राजाई का बन जाता है। अब जो चाहे उतनी ले। अच्छा बाबा, साथ में बच्चे को खोजा है कि बच्चे ने बाप को खोजा है? बच्चे तो अंधे थे, 63 जन्म खोज पाया है? नहीं बाबा। तो फिर बाप ने खोजा बच्चों को? बाबा, ये माता ने तो बाप को
महात्मा भाखड़ा नंगल बांध। भा माने रोशनी, खड़ी माने खड़ी है क्या, और सबके सामने खड़ी हुई है। सभी ब्राह्मण बच्चों, कोई ब्राह्मण बच्चा ऐसा नहीं है जिसके सामने वो रोशनी खड़ी हुई नहीं है, लेकिन उसको बांध दिया है किसने, मनुष्य गुरुओं ने, मनुष्यों ने उसे बांधा हुआ है। तो बांधा होने के कारण उसका पानी उतना रुका हुआ है, जिस समय टूटेगा तो सारी दिल्ली बोड़म बोड़ हो जाएगी। जहाँ माने संसार, नूर माने रोशनी, संसार की रोशनी है, सारी दुनिया की रोशनी है। बाबा जीके वाले कहते हैं कि आपके बाबा के चरित्र अच्छे नहीं थे, इसलिए उनको बीके सेंटर से निकाला गया। पांडवों के चरित्र अच्छे थे या खराब थे? अच्छे थे, उनको क्यों निकाला गया? पांडवों को देश निकाला इसलिए मिला कि उनके चरित्र खराब थे, हैं? बहुत अच्छे पांडवों के चरित्र अच्छे हैं, इसीलिए उनको सहन नहीं कर सके बुरे लोग, तो देश निकाला मिला। जिनको देश निकाला मिलता है वो ही पांडव कहे जाते हैं, असल पंडा के बच्चे। पंडा है एक शिव बाबा, सबसे जास्ती कलंक शिव बाबा को लगते हैं या ब्रह्मा को लगते हैं या ब्रह्मा कुमार कुमारियों को लगते हैं, है? शिव बाबा को लगते हैं। वैसे तुम साबित कर सकते हो कि जिसको सबसे जास्ती कलंक लग रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में वो ही शिव बाबा का कलंक इधर पार्ट है। तुलसी के पैर में शाम दीपक दिखाते, दीपक दिखाते हैं। हाँ, तुलसी माने क्या? तुलसी है कौन ज्ञान मार्ग में? ज्ञान मार्ग में तुलसी कौन है? अरे जगदम्बा। तो जगदम्बा अज्ञान में है या ज्ञान में है? अज्ञान में है, तो दीपक दिखाते हैं। बिहार में सबसे पहले राजा ही कांत बिहार में सबसे पहले इसीलिए हुआ कि बाप की दाढ़ी की लाज नहीं रखी, इसलिए अंत हो गया राजा जी का, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बिहार पहले शुरू हो गया। बाबा जीके वाले कहते हैं देखो गुलजार दादी में शिव बाबा आते हैं, तभी तो कहते हैं बाप दादा मिलन मनाने आए हैं, इसलिए नहीं कहते हैं बाप दादा मिलन मनाने आए हैं। बाबा ने मुरली में बोला है, तुम तो मुरली को छोड़ दिया, मुरली में बोला है तुम बच्चे जितना बाप को याद करते हो उतना बाप तुम्हारे साथ है, क्या कहा? तो हम बच्चों में सबसे जास्ती याद करने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा जब गुलजार दादी में आते हैं तो अच्छी तरह से शिव बाबा को याद करते हैं, इसलिए बाप दादा कहा जाता है, क्योंकि बाप उनके साथ रहता है याद के कारण, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि शिव उनमें कोई प्रवेश है, शिव बाबा तो कहते हैं मैं जिसे मैं प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। अगर गुलजार दादी में प्रवेश करता है तो गुलजार दादी का नाम ब्रह्मा है फिर? बाबा एक साथ सब सते है,
ज्ञान मार्ग में भी है ना। और क्या है? एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई बाबा है। बाबा आप मुरली में बोले हैं तो भागरथ के चटा से, भागरथ दोबारा बार तपस्या करने के बाद उनके चटा से गंगा बढ़ती है, भागरथ को कुल को उद्धार होता है। इसका मतलब ये सारी दुनिया है किसका कुल? बाकी सारी रथ का कुल नहीं है? वही तपस्या करता है तो उसकी जटाओं से अर्थात ज्ञान की जटाओं से गंगा बहती है। और मुरली भगवान की वाणी है, भगवान क्या है भक्ति मार्ग वाले जिज्ञासु है, मुरली भगवान की वाणी है भक्ति मार्ग वाले जिज्ञासु क्वेश्चन करते हैं। मुरली भगवान की वाणी नहीं है, भगवान की वाणी है गीता ज्ञान अमृत। क्या भगवान वाणी चलाए और किसी की समझ में ना आए तो वाणी से कोई फायदा हुआ? लोग कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, अब इतने लोगों में बैठे हुए हैं तो किसी में कोई कोई जानता है कि वेद क्या चीज है? उनके श्लोकों को कोई अर्थ जानता है? वेदों के श्लोकों का कोई अर्थ जानता है क्या? नहीं जानता। तो फायदा क्या हुआ वेद से? भगवान आएगा तो सबको फायदा देगा या कोई को देगा कोई को नहीं देगा? तो भगवान की वाणी जो है गीता ज्ञान अमृत है, उस गीता ज्ञान अमृत से सारी दुनिया को कल्याण हो जाता है। बाबा छोटी मम्मी तो अफ्रीका में ज्ञान दे रहे हैं, बड़की मम्मी कहाँ है? बता तो दिया के कवाणी में अभी घूंघट में है, ज्ञान नहीं दे रहा है। वो अज्ञान दे रहा है, वो जगदम्बा है, जगत की अम्बा, जगत में इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन सब होते हैं तो सबके प्रभाव में अम्बा आती है। परिवार में माँ होती है तो सब बच्चों के प्रभाव में आती है या कोई के प्रभाव से परे हो जाती है? सबके प्रभाव में आ जाती है, सबसे प्रभावित हो जाती है, सब की सेवा करती है। हम लोग जो भर्ती किए हैं तो जब गए बेसिक वाले में तो हम लोग को कागज नहीं देते हैं बाबा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो कराए हैं भाई ना वो चल गए बेसिक में, वो बेसिक में चले गए। हम लोग जब भर्ती वाला कागज नहीं देते हैं हम लोग क्या करेंगे? तो तुम जहाँ से भर्ती किए वहाँ से उसकी कॉपी ले लो, उसका बाद नहीं मिलता। फरुखाबाद में कॉपी ले लो जाके, बोले वहाँ के वाहन लोग की यहाँ नहीं मिलेगा। तो जहाँ मिलेगा उनसे पूछो कहाँ मिलेगा? दिल्ली में मिलेगा तो दिल्ली में जाओ। भगवान सब व्यापी है यह हमारा विश्वास है, भगवान सब व्यापी है यह हमारा विश्वास है, भक्ति मार्ग वाले बोलते हैं। ये हमारा विश्वास है, भक्ति मार्ग वाले बोलते हैं। इसको आप लोग तर्क की वस्तु क्यों बताना है? भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सर्व्यापी है, तर्क की वस्तु सर्वव्यापी है तो तुम नीचे गिर रहे हो, तुम्हारी मेंटेलिटी जो है भटक रही है क्योंकि सर्वव्यापी है। हम एक व्यापी इसलिए बना रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि एक में टिक जाए, तो हम गलत कर रहे हैं या सच्चा सच ठीक कर रहे हैं? हाँ, जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते तब भी दुनिया कहती थी तुम्हारा जादूगर आया हुआ है। बाबा शिव बाबा तो है ही जादूगर, रत्नागर सौदागर। दुनिया से दुनिया का सबसे बड़ा धंधा धोरी करने वाला कौन है? शिव बाबा ही तो है। बड़े से बड़ा धोबी है, बड़े से बड़ा डॉक्टर है, बड़े से बड़ा वकील है, बड़े से बड़ा जादूगर है, बड़े से बड़ा सौदागर है, क्या नहीं है? त्रास के टाइम में आत्मा कहाँ रहती है? त्रास के टाइम में आत्मा कहाँ रहती है? त्रास रात में बनने के बाद जो रात करते गर्भ में चली जाती है। शरीर छूटने के बाद एक सेकंड में आत्मा अपने गर्भ में प्रवेश कर जाती है। सभी आत्मा प्रवेश कर जाती है, सभी आत्माएं अकाली मौत तो जिनकी होती है उनको छोड़ के।
वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, भटकते रहते हैं भूत प्रेत बन के। अमृत देना 2 बजे 3 बजे को जाकर को बाबा को सूरन करती हूँ। बाबा बाप को सूरन करती हूँ। बाबा को हम बेला उठ के 2 बजे से याद करती है, लेकिन उनके शरीर में बहुत कष्ट है। उनके शरीर में बहुत कष्ट है, दर्द रहता है, बहुत सारी बीमारी कष्ट होता है, कष्ट होता है, याद करने के बाद भी कष्ट होता है। 2 बजे रोज करते हैं आपके, बढ़िया याद नहीं करती होगी। मुरली मनोहर मन को जो हरण कर ले वो है मुरली मनोहर। सबके मन को हरण कर ले वो है मुरली मनोहर। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, एक दिन ऐसा आवेगा सबके मन को वो हरण कर लेगा मुरली चला करके। तो वो है मुरली मनोहर। अपनी महिमा कम करो, अपनी महिमा मत करो, जो पुरुषार्थ करती हो दिखाओ मत दूसरों को, हम इतना करते उतना करते। जो करते हैं उनको तुरंत उसका फल मिलता है, खुशी हल्कापन। अगर भारीपन आता है तो जरूर पुरुषार्थ में कोई कमी है, सही पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। बाबा याद की यात्रा में कोई खोट है? दबा दिया उस वाणी से, झगड़ा बड़ा बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो रहा था, इसलिए उस वाणी को ही दबा दिया। एंटी ओम मंडली, 2 प्रकार की पार्टियां खड़ी हो गई। सिंध हैदराबाद से ही झगड़ा शुरू हो गया। माला में ऊपर आने की इच्छा स्वार्थ नहीं है क्या? माला में ऊपर आने की इच्छा स्वार्थ नहीं है क्या? स्वार्थ रथ के लिए है, स्वार्थ माने क्या? रथ के लिए जो इच्छा की जाए वो है स्वार्थ। माला में ऊपर आना ये रथ के लिए है क्या? कि आत्मा के लिए है, इसे स्वार्थ थोड़े ही कहेंगे। बाबा जगन्नाथपुरी में 4 भाग करते हैं, उसमें गणेश का चित्र क्यों बना है? जगन्नाथपुरी में 4 भाग करते हैं, उसमें गणेश का चित्र क्यों बना दिया? हाँ, क्योंकि गणेश जिसका टाइटल है वो कौन है? है ब्रह्मा बाबा, माने ब्रह्मा बाबा के लिए सारी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। एडवांस की पढ़ाई में सबसे आगे कौन जाने वाला है? लास्ट में आकर के भी फास्ट चला जाएगा वो है ब्रह्मा बाबा, पहला नारायण बन जाएगा। ऐसा कर्म किया है, दांत तोड़ दिया किसी परशुराम जी बना लो, कब लेंगे? जब तुम खूब याद करोगे 24 घंटे तब खुल जाएंगे। बाबा बाबा बेसिक में एक बहन थी, वो बोली कि हमसे कि जाए तो क्या होगा। बेसिक में एक बहन है, वो बोली कि हम ठोकर खा कर गए, इसी में हम ठाकुर बनेंगे। तो मेरा मुंह से पता नहीं बाबा हम निकल गया, ठोकर खा के ठाकुर बनने वाला कौन था? ठाकुर का टाइटल तो हजाम में लगता है, तो हजाम क्या करता है? मुड़ता है ना, किसी को आराम मुड़ दिया, किसी को बुरा मुड़ देता है। वही काम तो वहाँ हो रहा है, पता नहीं बाबा हमको मुंह से निकल गया क्या। हमको सुख लगा ऐसा नहीं बोलना चाहिए बाबा। का आप लोग निश्चित वाले करते हैं, अगर ताकत है तो बाहरी दुनिया वाले को सुनाओ, निश्चित वाले आत्माओं को क्यों तोड़ते? जो पढ़े लिखे ज्यादा हैं,
उनको ऊंची पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि जो अनपढ़ हैं प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो भी पास नहीं की है, उनको पढ़ाई पढ़ाना है। दुनिया के जो बड़े बड़े जहीन हैं पढ़े लिखे लोग, उनको पढ़ाए देंगे तो सारी दुनिया में अपने आप ही आवाज फैल जाएगी। शिव बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है या नहीं है? तो दुनिया के जितने भी बुद्धिमान हैं उनको पढ़ाई पढ़ा दो तो सारी दुनिया में अपने आप आवाज फैल जाएगी। बाबा डीके वाले कहते हैं शिव ही राम राम है, शिव ही राम है, शिव ही साका राम है। वो राम तो त्रेता युग ही है, वह संगम में राम नहीं होता है, कृष्ण की आत्मा के द्वारा सारा कार्य होता है। संगम में राम नहीं होता है तो कौन सा राम फेल हो गया? तुम कहते हो ना राम फेल हो गया, तो संगम में फेल हो गया या कहीं दूसरी जगह फेल हो गया? और शिव तो मुरली में बोला हुआ है, मेरे बिंदी का नाम शिव है, वो नाम कभी बदलता ही नहीं। तुमने कैसे कह दिया कि राम शिव का नाम है? शिव नाम तो कभी बदलता ही नहीं, जब शरीर में प्रवेश करते हैं तब नाम बदलता है। तो कृष्ण को तो कभी राम नहीं कहा, किसी मुरली में कृष्ण को राम कहा? क्या कहा? राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण तो बच्चा है, कृष्ण को कभी बाप कहा क्या? ठीक माया निश्चय निश्चय पैदा करती है, है? माया तुम्हारी कमजोरी का, हमारी कमजोरी का नाम है। हमारे अंदर 63 जन्म की जो कमजोरियां भरी हुई है वो ही माया पैदा करती है। क्या श्री बाबा 4.5 लाख सभी आत्माओं के कपड़े धोएंगे? क्या श्री बाबा 4.5 लाख सभी के कपड़े धोएंगे? हाँ, क्यों नहीं धोएंगे? 4.5 लाख पवित्र नहीं बनेंगे? फिर राजाएं प्रजा को सुधारते हैं कि प्रजा राजा को सुधारती है? है? जो राजाएं बनेंगे वो प्रजावर्ग को सुधार देंगे 4.5 लाख को, और बाबा किसको सुधारने आया है? राज परिवार को सुधारने आया है कि प्रजावर्ग को सुधारने आया? राज परिवार को बाबा सुधारने आया है। बाबा एक आदमी बोलो भाई, शास्त्रों में दिखाया है रावण को भी कैद में रखे हुए था कौन? सहस्त्र अर्जुन। हाँ, तो सहस्त्र अर्जुन कौन? सहस्त्र भुजाओं वाला। अरे सहस्त्र भुजाएं किसको है संगम युग में? ब्रह्मा को। तो वो ही सहस्त्र अर्जुन हो गया, उसी की गोद में रावण पलता है। रावण संप्रदाय की आत्माएं वरदान किससे लेती है? ब्रह्मा से लेती है या विष्णु से लेती है? ब्रह्मा से लेती है। तो किसकी गोद में पलता है रावण? ब्रह्मा की गोद में रावण पलता है। अरे माताओं को भी पूछ लेने दो। हाँ, बच्चे का निशानी क्या है? सूर्यवंशी की, सूर्यवंशी की निशानी है, वो सूर्य को ही फॉलो करेंगे, चंद्रमा को दूसरे सितारों को फॉलो नहीं करेंगे, सूर्य की ही बात मानेंगे। चंद्रमा की अथवा दूसरे सितारों की बात नहीं मानेंगे। बाबा अपना रक्षा करने के लिए हथियार उठाना है या नहीं? अपना रक्षा करने के लिए हथियार उठाना है कि नहीं? अपनी रक्षा माने? अपनी रक्षा का मतलब क्या है? कोई मारने आया तो भाग जाओ?
भाग नहीं सके तो बुद्धि से ऊपर भाग जाओ शिव बाबा की तरह। सामना करने योग्य है तो कर सकते हैं, हैं? सामना करने योग्य है तो कर सकते हैं। क्या सामना करेंगे, ला हाथ में उठाएंगे क्या, शक्तियों का सेवा कानून अपने हाथ में उठाएंगे क्या, ला उठाने के लिए तो बाबा ने मना कर दिया। बाबा निश्चय लगभग जो हिसाब किताब है तो निश्चय अनिश्चय के जग में जो आते माया से जीत पाने की कोई उपाय, अच्छी तरह ज्ञान धारण करो, ज्ञान अच्छी तरह धारण होगा तो ज्ञानी को माया नहीं पकड़ती है। बाबा कच्चे ज्ञानी होंगे तो माया पकड़ लेगी। बाबा बीके वाले कहते हैं आपका बाबा सामने क्यों नहीं आता है, कृष्ण को भगवान कहते हैं, कृष्ण कंस के सामने बाद में आया या पहले गांवों गांवों में छुपता रहा, है पहले छुपता रहा ना, ये युक्ति है। ऐसे ही शंकर के लिए दिखाते हैं भगवान है, भस्मासुर के डर के भागता रहा या भस्मासुर के सामने आ गया तो भगवान शंकर ने भी ऐसे ही किया, और राम जंगल में छुप के काम किया या रावण की लंका में जाके युद्ध किया, है जंगल में छुप के काम किया तो यही तो भगवान का काम है। अच्छा बीके वाले ये भी कहते हैं शंकर अलग से नहीं होता, हम सभी का नंबर वार शंकर का पार्ट है। हाँ तुम्हारा शंकर का पार्ट है तो ये चित्र काय के लिए रखा हुआ है, ये तुम्हारी पूजा होती है, तुम सर्वव्यापी हो क्या, जो मंदिरों में पूजा होती है ढेर सारे मंदिर बने हुए हैं किसकी यादगार में बने हुए हैं, और सब शंकर हैं तो नंबरवार होंगे कि एक ही होगा, नंबरवार होंगे तो अव्वल नंबर के गायन होगा या सबका होगा, अव्वल नंबर का होगा। भारत में सबसे पीछे मुसलमान मरते हैं, भारत में सबसे पीछे मुसलमान मरते हैं। नहीं सबसे पहले में इस्लामी मरेंगे, उल्टा पढ़ लिया, जो लोग सिर्फ कोर्स किए हैं लेकिन भट्टी नहीं किए हैं और वो लोग मासिक संगठन में आ जाते हैं तो क्या करना चाहिए, क्लास भी कराना चाहिए, मासिक संगठन में भी आने देना चाहिए, जो बड़ा संगठन होता है मासिक संगठन जिसमें तुम अपनी अंदर की बातें करते हो उसमें नहीं आने देना चाहिए, बाबा के संगठन में भी नहीं आने देना चाहिए। बाकी जो तीन संगठन होते हैं महीने के उनमें आने की परमिशन देना चाहिए। बाबा अनेक मठ पंथों द्वारा गीता की 108 से भी अधिक टीकाएं हो चुकी है तो अरे क्या गीता पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ो मत पढ़ो मत, ऐसे ही पूछो बिना पढ़े, क्यों नहीं हो सकता बिना पढ़े पूछो। अच्छा चलो बाबा दुर्गा काली के लोग पूजा जाए छंद मुख से किया ना सीखते फिर से बोलो दुर्गा काली पूजा जाए लोग भोला बाबा थान जाए छंद बाबा धाम पत्थर पर जल धरेगा मुख से किया जवाब करे छंद पत्थर दुर्गा काली को पूजा करने जाते हैं और महादेव स्थान भी जाते हैं तो वो जवाब क्यों नहीं देते, मूर्तियां क्यों नहीं मूर्तियां जवाब क्यों नहीं देते, पत्थर के जवाब देंगे क्या, ये तो
पत्थर में तो थोड़ी ही आत्मा होती है। अरे पत्थर में तो आत्मा होती है क्या? मेरे को बाबा कहते मेरे को पत्थर टिक्कर में ठोक दिया है, तो पत्थर बुद्धियों में भगवान आता है क्या? इस्लाम, इस्लामी सबसे पहले मरेंगे, सबसे बाद में हिंदू और मुसलमान मरेंगे। राम कृष्ण जगदम्बा आदि की मुरलियां बनाकर क्या करते हैं? मूर्तियां बनाकर नदी में डुबो देते हैं। तो यहाँ की यादगार है संगम युग की। संगम युग में सभी देवताएं अपना अपना संगम युग में करिश्मा दिखाते हैं, सर्विस का विस्तार कर देते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारियों ने सर्विस का बहुत विस्तार किया, विस्तार होते होते संक्षेत्र में बाप प्रत्यक्ष हुआ, और जिनके सामने प्रत्यक्ष हुआ उन्होंने उनको डूबी जा कर दिया, उनके मान मर्तव्य को डुबो दिया। बाप सर्वशक्तिमान है तो फिर वो मुरली देखकर क्यों समझाते हैं? क्यों है बाप थोड़ा ही पढ़ाते हैं मुरली? पढ़ने का काम ब्रह्मा का है या बाप का है? है ब्रह्मा बाबा पढ़ता है। ब्रह्मा बच्चा है, बाप बाप है, बाप पढ़ेगा या बच्चा पढ़ेगा? बच्चा पढ़ता है, बाप अर्थ समझाता है। ब्रह्मा बाबा श्री बाप मान भी नहीं पड़ता। ब्रह्मा बाबा श्री बाबा भगवान कृष्ण क्यों बोल पड़ते हैं? बीच में क्यों बोल पड़ते? बच्चा है ना, बच्चा क्या करेगा? बच्चे में इतनी अकल नहीं है तो बच्चा बीच में इंटरफेयर करता है? श्री बाबा का रस्ता कंट्रोल नहीं है। प्यारा बच्चा है ना, क्यों कंट्रोल करे? है कहते तो है ये बच्चा कुछ भी गड़बड़ करेगा तो मैं उसे ठीक कर ही दूंगा, तुम क्यों चिंता करते हो? तो गुस्सा आती है बच्चे के ऊपर है। बाबा बाली सुग्रीव शरीर से सचमुच बंदर थे क्या? बंदर नहीं थे, बंदर बुद्धि थे। सतयुग में आप डायनेस्टी गिनी जाती है? सतयुग में आठ डायनेस्टी गिनी जाती है। सात धर्मों में कन्वर्ट होने वाले सात नारायण आधार मूर्त वो सतयुग की सात गद्दियां हैं। आखिरी पहली गद्दी के बाद सात गद्दियां और हैं, सात नारायणों की। विंध्याचल में अथवा कलकत्ता में जो देवी मंदिर है वहाँ पर इतनी बलि दी जाती है, क्या वहाँ कोई ऋण सोल है जो ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है? वही प्रथा कौन से चले सोल है क्या वो वहाँ कोई इविल सोल है जो ऐसा करने के लिए इतना प्रेरित करती है? माँ काली खुद ही इविल सोल है तो उसके बाल बच्चे सब क्या होंगे? इविल सोल ही होंगे। जो काली देवी की पूजा करने वाले होते हैं वो अच्छी पुरी के ब्राह्मण होते हैं या बंगी चमार चोर और डकैत ज्यादा होते हैं? कौन पूजा करते हैं ज्यादा? जो ज्यादा पाप कर्म करने वाले हैं वो ही ज्यादा पूजा करते हैं काली की। अच्छा बाबा, पाप का बाप कौन है? पाप का बाप दे अभिमन सर तेरे। बड़े बड़े लोग कपड़े धोने के बिना भेजते हैं, इसका रस है तो
कपड़े धोने के लिए बिलाई नहीं भेजते बिलाई शब्द क्यों आया बिलाई शब्द क्यों आया इसीलिए आया है कि सबसे बड़े आदमी तो नेहरू जी थे उनके कपड़े विदेश से धुल करके आते थे माने विदेशी आत्माएं उनके कपड़े धोती है विदेशी कौन है विदेशी रुद्रमाला में कोई है या नहीं है, है? नहीं जो सूर्यवंशी चंद्रवंशियों के अलावा इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले बौद्धि वंश में कन्वर्ट होने वाले क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाले सरेंडर होते हैं उनमें खासकर कन्याएं वो शरीर रूपी वस्त्र धोती है दूसरे धर्म की आत्माएं धोती है तो दूसरे धर्म के विदेशी हैं या स्वदेशी हैं कौन है, है? विदेशी हैं तो नेहरू जी के कपड़े विदेश से धुल करके आते थे बात कहां की है बेहद में ब्राह्मणों की दुनिया की बात है ब्रह्मा बाबा है बेहद का गांधी और शंकर वाली आत्मा है राम वाली आत्मा है नेहरू बाबा है क्या राम और रावण युद्ध में शामिल सभी बंदर बंदरिया धर्म युद्ध के लिए तैयार है राम बंदर है राम को भी तुमने बंदर बना दिया बा पट्टे राम रावण युद्ध में हम सभी बंदर बंदर हाँ रावण युद्ध चल रहा है उसके हम सभी बंदर बंदर तैयार हैं बिल्कुल कोई रीच भी है मतलब ब्राह्मण हम लोग सही में नहीं है हम लोग में थोड़ा देह अभिमान आ जाता है हाँ बंदर है ना मंदिर लायक बन रहे हैं हनुमान ने कौन सा सूर्य को निगल लिया था हनुमान ने कौन से सूर्य को निगल लिया था यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा जो सूर्य का पाठ बजाती है उसका प्रभाव खत्म कर दिया था कि नहीं है ब्रह्मा बाबा ने जी किया था कि नहीं तो वही बाल सूर्य हो गया बाल सूर्य को हप कर लिया ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा बाबा हो गया हनुमान बचपन का हनुमान था या बड़ेपन का हनुमान था बचपन का था बाबा अपनी मां ने गणेश जी का पत्नी का नाम रिद्धि दिया रिद्धि माने धन संपत्ति बढ़ाने वाली और सिद्धि माने सिद्धि देने वाली मम्मा सिद्धि देने वाली थी या रिद्धि सिद्धि लेकर आई थी है मम्मा सिद्धि देने वाली सिद्धिदायिनी है कि नहीं तो मम्मा की वजह से सिद्धि प्राप्त हुई मम्मा हो गई सिद्धि हाँ और रिद्धि माने संसार की धन संपत्ति जो बढ़ा देती है ओमराजे मम्मी छोटी मम्मी ब्रह्मा बाबा बड़ा ब्रह्मा बड़ी माँ और ओमराजे छोटी माँ तो छोटी माँ में प्रवेश करती है बड़ी माँ बड़ी माँ में प्रवेश करती है अरे यज्ञ में सबसे ज्यादा मान मर्तबा किसका था अभी भी यज्ञ में ज्यादा मान मर्तबा बड़े बड़े आदमियों का होता है धन संपत्ति वालों का होता है या गरीबों का होता है हैं? धन संपत्ति वालों का होता है तो कुमारिका का सबसे ज्यादा मान मर्तबा था या नहीं था और रावण ने राम लक्ष्मण को चुरा के पसार ले गए थे रावण ने राम लक्ष्मण को चुरा के ले गए थे पसार वो क्या है तो पाताल में नहीं ले जाता है पाताल माने गड्ढे में शिव को भी कहां दिखाते हैं कहीं कहीं रावण ने अंगूठे से कहां दबा दिया गड्ढे में तो शिव को दबा दिया या शिव के मुकर्रर रथ को दबा दिया है मुकर्रर रथ को दबा दिया बाबा पवित्र को सोलह कला कहते हैं या सुख शांति को सोलह कला कहते हैं पवित्रता में ही सुख शांति भरी हुई है रावण आही आही माने पीछे से आने वाला
पीछे से वार करता है चोरी से। जो लोग एडवांस कोर्स कर चुके हैं लेकिन भर्ती नहीं किया है वो अपने नाम के आगे प्रजापिता लिख सकते हैं या नहीं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार है नहीं लिख सकते? पैदा ही नहीं हुए तो लिखेंगे कैसे? अभी ज्ञान गर्भ में चल रहे, भट्टी करें, ज्ञान गर्भ में पढ़ें। गर्भ में जब बच्चा जाता है तो बाहर की दुनिया से कनेक्शन रहता है। खाना पीना दाना पानी कहाँ से मिलता है? अंदर ही अंदर मिलता है कि बाहर से मिलता है? अंदर मिलता है। तो ऐसी भट्टी में गिरना पड़े, ज्ञान गर्भ में पकेंगे 9 दिन तो बाप के बच्चे बनेंगे। बाप के घर में जरूर पहुंचना पड़े आत्मा को। आत्मा बाप के घर में नहीं पहुंचेगी, वहां जाके जन्म ही नहीं लेगी तो बाप का बच्चा कहीं कहीं जाएगी? ये कान तुम्हारे नजदीक है फिर भी कान में आवाज नहीं जा रही, वो कान में ज्यादा आवाज जा रही। क्या बोला? है ऊपर आत्मा है? हाँ हाँ हाँ। मम्मा बाबा क्यों बैठे हुए? वो मम्मा बाबा नहीं है, मुरली में बोला है। वास्तव में ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, तो असली मम्मा बाबा कौन हुए? जगदम्बा और जगत पिता, वो ही बैठे हुए हैं। नहीं, मुरली में तो क्लैरिफाई कर दिया ना, वास्तव में ये ब्रह्मा सरस्वती तुम्हारे मम्मा बाबा नहीं है, तो वास्तव में कौन है? सारी सृष्टि के मम्मा बाबा जगत पिता और जगदम्बा, प्रजापिता और प्रजामाता। शंकर जी का हाँ माला जी का सांपों की माला, सांपों की माला दिखाइए। माने जितने भी रुद्रमाला में मणके हैं वो सब सर्प सर्पिणी हैं। क्या है? जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, विकारी हैं या निर्विकारी हैं? विकारी हैं इसलिए सर्प हैं। क्या शंकर को 20 रुपए क्यों दिखा? शंकर को क्योंकि सारी दुनिया का विष कोई पी नहीं सकता सिवाय शिव बाबा के, और शिव बाबा का मुकर रहता है शंकर। सारी दुनिया का विष शिव बाबा के सिवाय कोई पीता है क्या? शास्त्रों ने किसे दिखाया? शंकर को दिखाया। वास्तव में शंकर थोड़ी पीता है, कौन है पीने वाला? शिव बाबा पीता है शंकर के द्वारा। विष कहेंगे बाबा सारी दुनिया में गलाने रूपी विष। ग्लानी भी विष है, ग्लानी निकलती कब है? मंत्र होता है। अरे कृष्ण काला है तो उसकी ग्लानी है, कृष्ण गोरा होगा तो उसकी कोई भी ग्लानी नहीं करेगा। नारायण की ग्लानी होती है क्या? तो हम लोग को भी ज्ञान, हमारी भी ग्लानी होगी क्या बाबा? है तुम का अच्छे काम करें दूध के दोए। जो बात बाप के ऊपर लागू हुई है वो बात सब बच्चों के ऊपर लंबर बार लागू होगी।
बाप की गिलानी होगी तो बच्चों की नहीं होगी क्या? होगी। तो हम लोग कहाँ छिपने के लिए भागेंगे? बाप कहाँ छिपने के लिए भाग रहा है? क्या भागने जा रहे? ये कौन सा कल्प है? इसकी गिनती नहीं होती है कल्पों की क्या? ये अनादि सृष्टि है, एक कल्प के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, आते ही रहेंगे और आते ही रहे हैं। असंख्य जन्म है, असंख्य कल्प है, इसका नंबर नहीं दिया जा सकता। बाबा जो डायरेक्ट आते हैं उन्हें कैसे बताया जाए सृष्टि का बाप कौन और कैसे है? उन्हें पहले बिंदी आत्मा का परिचय तो दो। बेसिक ज्ञान दोगे कि नहीं प्राइमरी स्कूल का? क्या ऐसे ही सीधा एकदम ऊपर उड़ा दोगे? ओम शांति। ले